एक कॉलम पब्लिश हुआ है गार्डियन में, क्योंकि गार्डियन एक दुनिया के चंद बड़े मीडिया आउटलेट्स जिनकी क्रेडिबिलिटी भी है उसमें शुमार होता है, और उसमें कहा गया है कि इंडिया इज क्वाइटली लेइंग क्लेम टू इकोनॉमिक सुपर पावर स्टेटस। और आज हमारी हालत एक भिखारी की जैसी है। इस वक्त वो कंट्री जो शायद चाइना को भी पीछे छोड़ता हुआ नजर आ रहा है, उसका नाम लिया जा रहा है इंडिया। चाइना बार बार इंडिया को अप्रोच कर रहा है कि इंडिया चाइना के साथ खड़ा हो जाए। हमें ऑफिशियल न्यूज बहुत से देखने को मिल रही है और चाइना बहुत से इस वक्त पापड़ बेल रहा है, लेकिन पाकिस्तान को इसी के साथ साथ धुतकार रहा है। ईरान से जो टमाटर आए थे वो सारे जाया कर दिए, के जी खराब कर फेंक दिए, के जी वो वहाँ से ईरान से आए हैं शिया टमाटर। पाकिस्तान की 40% जरिए जमीन बर्बाद हो गई है, 70% आपकी फसलें तबाह बर्बाद हो गई हैं। न्यूयॉर्क टाइम ने एक खबर शाया की है जिस खबर के मुताबिक दुनिया की स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिकल कंट्रीज की लिस्ट जारी की गई, जिसमें सारे फेरिस्ट इंडिया का नाम था। वहाँ पे जो उन्होंने बातें बताई मैं सारी टीवी पे बता भी नहीं सकता कि उसके बाद कितने बेबस हैं लोग। उन्होंने एक बात कोट की कि उन्होंने कहा कि यार वो बच्चे बेच रहे हैं अपने। कब तक इसी तरह दुनिया से पैसे मांगते रहेंगे, और हमारी लीडरशिप ये भिखारियों की तरह कभी उसके आगे हाथ फैलाओ कभी उसके आगे हाथ फैलाओ, तकलीफ तो बहुत होती है देख के। ऐसे मुल्क ने इंडिया की डिमांड की है, इंडिया से हेल्प मांगी है, ये उस लिस्ट में आ चुका है जो आगे सुपर पावर्स की उसमें शामिल। नमस्कार दोस्तों, चीन का उदय हाल के दशकों में वैश्विक अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी कहानी रही है, लेकिन इसके गिरते हुए प्रॉपर्टी मार्केट और मुद्रास्फीति के बारे में दुनिया की आशंकाओं के बीच एक संभावित नई आर्थिक महाशक्ति के रूप में अपने पड़ोसी भारत के नीचे जा सकता है। ब्रिटेन को दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत ने पीछे छोड़ दिया है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार 1.4 अरब लोगों का देश 2030 तक अमरीका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर पहुंचने की राह पर है। जैकमा जैसे चीनी व्यापारिक दिग्गजों को कौन नहीं जानता है, लेकिन हाल के वर्षों में भारतीय अरबपतियों गौतम अडानी और मुकेश अंबानी जैसे नाम ने भी दुनिया में अपनी छाप छोड़ी है। पूरी दुनिया का मीडिया इंडिया के अरबपति गौतम अडानी और मुकेश अंबानी को चाइना के जैकमा के मुकाबले कम हाईलाइट करता था। अभी विशेष रूप से गौतम अडानी भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत की प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो अपने अडानी समूह का विस्तार दुनिया में तेजी से कर रहे हैं, जिसमें बंदरगाहों से लेकर हवाई अड्डों तक और सौर ऊर्जा से लेकर टेलीविजन तक सब कुछ शामिल है। फरवरी में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनने के बाद अब $143 बिलियन की संपत्ति के साथ दुनिया में तीसरे स्थान पर हैं, और दूसरे स्थान पर रहने वाले अमेजन के बॉस जेफ बेजोस के पास तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत को कई वर्षों तक चीन के साथ खराब संबंधों के रूप में देखा गया है। इंडिया में अभी भी गरीबी और खराब बुनियादी ढांचे का समस्या है, लेकिन हिंदुस्तान अपने पड़ोसी चाइना के प्रतिद्वंद के रूप में तेजी से उभर रहा है। जिस तरह के आर्थिक विकास के आंकड़े कभी बीजिंग के हुआ करते थे, आज वैसे ही आंकड़े भारत के हैं, और चाइनीज इकोनॉमिक्स के आंकड़े दिन पर दिन गिरते जा रहे हैं। और यही वजह है कि चाइना भी भारत के साथ रिश्ते सुधारना चाहता है और पाकिस्तान से पीछा छुड़ाना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान से उसे कुछ नहीं मिलने वाला। अब पाकिस्तानियों को भी एहसास हो रहा है कि दोस्ती किससे करनी चाहिए। एक कॉलम पब्लिश हुआ है गार्डियन में, क्योंकि गार्डियन एक दुनिया के चंद बड़े मीडिया आउटलेट्स जिनकी क्रेडिबिलिटी भी है उसमें शुमार होता है, और उसमें कहा गया है कि इंडिया इज क्वाइटली लेइंग क्लेम टू इकोनॉमिक सुपर पावर स्टेटस। अब इसके ऊपर ऐसा नहीं है कि हमने कभी बात ना की हो, हमने इसके ऊपर तज्जिया किया, लेकिन ये तो हो सकता है कि किसी का अपना अगर कोई पर्सनल एनालिसिस है तो उसके ऊपर कोई दूसरा ही कहे कि ये तो आपका अपना पर्सनल ओपिनियन है। इस पर तनकीद की जा सकती है, इससे इनकार किया जा सकता है, इसको डिनाई किया जा सकता है। वैसे तो गार्डियन में पब्लिश होने वाले आर्टिकल के हवाले से भी हम ये कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि दुनिया की चंद बड़े मीडिया आउटलेट्स पे जो पब्लिश होता है उसमें रॉयटर्स के हवाले से ही कहा जाता है कि उसके ऊपर जो खबर होती है वो कभी भी गलत साबित नहीं होती। तो ये कॉलम, इसमें कुछ ऐसी बातें की गई हैं जिससे ये पता चलता है कि दुनिया के लैंडस्केप पे अगर इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो उसमें इंडिया किस तरीके से आगे बढ़ा है। कि जो एक ये बात कही जाती है कि हो सकता है कि मुस्तकबिल करीब में जिन सुपर पावर्स के बारे में बात की जाती है कि ये कंट्रीज़ जो हैं ये दुनिया पे हुक्मरानी करेंगे, उसमें भारत बहुत आगे नज़र आए। अच्छा, इसमें क्या लिखा गया मैं आपको बताई देती हूँ, उसमें से कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि इसमें ये लिखा गया है, द राइज ऑफ चाइना हैज़ बीन द बिगेस्ट स्टोरी इन द ग्लोबल इकोनॉमी इन रीसेंट डेकेड्स। यानी इस पे उन्होंने ये बताया है कि जो चाइना था अभी तक उसके हवाले से ही बात की जाती थी, और ये बात बिल्कुल ठीक है। जब ये बात की जाती है कि अमेरिका, रशिया, फिर जो कुछ सुपर पावर्स के हवाले से हम बात करते हैं कि देखिए अब इनको कौन टक्कर देगा और इनके सामने खड़ा हुआ या इनसे इन तक पहुंचता हुआ उस लिस्ट में कौन सा कंट्री आएगा, तो चाइना का नाम लिया जाता है कि चाइना बहुत तेज़ी से आगे बढ़े। और ये बात ठीक भी है, चाइना ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि चाइना का नंबर चाइना नहीं रहा इस लिस्ट में, आगे जो बढ़ने वाले कंट्रीज उसमें चाइना शामिल है।
लेकिन चाइना के जो आगे बढ़ने की और इकोनॉमी की उसकी जो बूस्ट उसको मिल रहा था, और जिस तरीके से आप जानते हैं कि दुनिया में अगर प्रोडक्ट्स जो होती हैं उसका सबसे बड़ा जो सप्लायर है वो चाइना ही कहा जाता है, उसमें उसने जो तरक्की कर ली, ये अलग बात है कि चाइना की जो चीज़ होती है वो ड्यूरेबल नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद सुपर पावर्स आइंदा आने वाली उसकी लिस्ट में चाइना मौजूद है, लेकिन ये अभी कुछ डेकेड से बात चल रही थी। इस वक्त वो कंट्री जो शायद चाइना को भी पीछे छोड़ता हुआ नजर आ रहा है उसका नाम लिया जा रहा है इंडिया। अब इसी तरीके से आगे इसमें जो है वो ये बात की जाती कि जिस तरह एक अलीबाबा जैक मा जो कि उसके फाउंडर हैं और उन्होंने उसको लेकर वो आगे चले और उन्होंने चाइना को बड़ा फ़ायदा पहुंचाया।